बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफा का दम जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमसे बहुत से साइलीन ने सवाल किया है कि मुसलसल सर दर्द, पेट दर्द, सीने की जलन, जिस्मानी थकावट, टांगों या कमर में दर्द और इस तरह की दूसरी जिस्मानी तकलीफ़ों और बीमारियों से शफा का कोई ऐसा दम बताएं जो हम खुद कर सकें। इसलिए आज हम आप सबको अमराज़ जिस्मानी से निजात के लिए शफा का फौरी असर वाला दम करने का तरीका बता रहे हैं, जो आप खुद भी कर सकते हैं या किसी भाई बहन से करवा भी सकती हैं। शफा का ये दम चूँकि आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है और हालत मर्ज़ में ये दम आप सरकार पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खुद किया, इसलिए इस दम की बेहद फजीलत भी है और ये दम रहमत इलाही से फौरी असर भी करता है। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जिब्राईल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप बीमार हो गए हैं? आप सरकार ने कहा कि हाँ। जिब्राईल ने कहा, बिस्मिल्लाही अर्की का मिन कुल्ला शैइन युजी का मिन शर्रा कुल्ला नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन लहू यशफी का बिस्मिल्लाही अर्की का, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह के नाम से मैं आप पर दम करता हूँ हर उस चीज़ से जो आपको अजियत पहुँचाए, हर जानदार नज़र बद और हासिद के शर से अल्लाह ताला आपको शफा दे, मैं अल्लाह के नाम से आप पर दम करता हूँ। बीमारी में शफा का दम करने का तरीका। नाज़रीन, जिन पाक कलिमात को अदा करके हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम पर बीमारी में शफा का दम किया, उन्हीं पाक कलिमात के ज़रिए आपने दम इस तरह करना है कि अगर तो ये दम आप अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं तो फिर बावजू हों और किबला रुख होकर एक गिलास पानी अपने सामने रखें और जिस्म के जिस हिस्से में दर्द हो रहा हो उस पर हाथ रखें। अब 11 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक तलावत करें और फिर 5 मरतबा यही मुकद्दस कलिमात अदा करें। अब 11 मरतबा आखिर में दरूद पाक अदा करके पानी पर दम करके वो पानी पी लें। इंशाल्लाह ताला खुदा के फजलो करम से जैसे जैसे पानी आपके हलक से नीचे उतरता जाएगा, आपका दर्द जिस्म से ऐसे ख़त्म होता जाएगा कि जैसे वो था ही नहीं। दम करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये पानी आपने एक सांस में नहीं पीना बल्कि 3 सांस में इत्मीनान के साथ पीना है। अगर यही दम आपने अपने किसी ऐसे अजीज़ या रिश्तेदार के लिए करना है कि जिसके पास आप फौरी तौर पर नहीं जा सकते या फिर वो किसी दूसरे शहर में है, ऐसी सूरत में यही दम आप उस मरीज़ की बीमारी का तसव्वुर करते हुए करें और दम वाला पानी भी आप खुद ही इस तसव्वुर के साथ पी लें कि जैसे मरीज ही दम वाला पानी पी रहा है। इंशाल्लाह ताला हज़रत जिब्राईल वाला ये दम इस कदर मुजर्रब है कि ये फौरी असर करके दर्द को जिस्म से खींच लेता है। बेशक खुदा के पाक कलाम में हर बीमारी से शिफा मौजूद है। नाज़रीन, हम ये बात वाजिया करते चलें कि रसूलल्लाह से बढ़कर इल्म कायनात में किसी के पास भी नहीं और ना ही उन्हें दम करवाने की ज़रूरत थी। उन्होंने अपनी उम्मत को दम का तरीका सिखाने के लिए जिब्राईल से दम करवाया। अल्लाह की ज़ात हमें उनके बताए हुए तरीकों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं, आमीन। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और दूसरों से शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कि आपकी शेयर की हुई ये वीडियो किसी मरीज तक पहुंच जाए और उसे ये दम करने से शिफा मिले, तो इसी नेकी के सदक़े में अल्लाह की ज़ात आप और हमसे राज़ी हो जाएं, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद रूहानी मसाइल के हल के लिए हमारी वेबसाइट www.pray.net.pk पर विज़िट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।